हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जिस देश में गाय काटना लीगल है उसे 200 गायें भेंट करने वाले मोदी बताएं, गाय अब माता है या नहीं सोशल। प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के दौरे पर रवेरू गांव जाकर वहां 200 गाय दान कर दी। पीएम मोदी ये काम रवांडा सरकार की एक कल्याणकारी योजना गिरिंका कार्यक्रम के तहत किया, जिन्हें रवांडा से ही खरीदा गया है। अब सवाल उठने लगा है कि जिस देश में गाय के नाम पर लोग मार दिए जा रहे हों, वहां का प्रधानमंत्री विदेशों में 200 गाय दान कर रहा है, और वो भी तब जब रवांडा में गौहत्या कानून अपराध ना हो। सोशल मीडिया पर गजेंद्र शर्मा ने लिखा, जिस देश में गाय के नाम पर लोग मर रहे हैं उनका सरदार विदेशों में 200 गाय ऑफिशियली बांट रहा है, और वो भी तब जब रवांडा में गोक्षी लीगल हो। बता दें कि रवांडा के 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे के साथ विस्तृत बातचीत की और व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने रवांडा के लिए $20 करोड़ के कर्ज की पेशकश भी की है। बीजेपी विधायक के खिलाफ रेप का केस दर्ज, प्रशांत भूषण बोले, मोदी जी आपने काफी संस्कारी लोगों को नियुक्त किया है। बीजेपी विधायक जयंती भानुशाली के खिलाफ एक 21 वर्षीय छात्रा से बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। विधायक पर आरोप है कि उसने छात्रा को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने और जॉब दिलाने के बहाने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके साथ ही विधायक पर ब्लैकमेलिंग और फिरौती का भी आरोप लगा। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ने भानुशाली पर लगाए। बीजेपी नेता का कहना है कि भानुशाली के बारे में सभी लोग जानते हैं, वो एक ब्लैकमेलर और जमीन कब्जाने वाला व्यक्ति है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भानुशाली ने अपने कच्छ वाले फर्म हाउस पर कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया। भानुशाली ने पहले भी पैसे और नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। भानुशाली पर लगे इन आरोपों पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, बलात्कार, सेक्स रैकेट, फिरौती और ब्लैकमेल, गुजरात के बीजेपी उपाध्यक्ष को एक महिला और उनकी अपनी पार्टी के नेता ने इस तमाम मामलों में आरोपी बनाया है। मोदी जी अपने निश्चित रूप से अपने राज्य में बहुत संस्कारी लोगों को नियुक्त किया है। बता दें कि आरोपी बीजेपी विधायक जयंती भानुशाली गुजरात बीजेपी के एक प्रभावशाली नेता हैं। कच्छ में भानुशाली का कई विधानसभा सीटों पर प्रभाव भी है। मोदी की राह पर बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष गलत इतिहास बताते हुए बोले, हुमायूं ने मरते हुए अपने पिता बाबर से कहा था, गाय, ब्राह्मण और महिलाओं की इज्जत करो। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष बने मदनलाल सैनी को महीने भी नहीं गुजरे और उनका विवादित बयान देना शुरू हो गया। उन्होंने इतिहास को अपने तरीके से पेश किया। सैनी ने कहा कि जब हुमायूं मर रहा था तो उसने अपने पिता बाबर को कहा कि अगर हिंदुस्तान में तुम्हें शासन करना है तो तुम्हें गाय और ब्राह्मण और महिलाओं की इज्जत करनी होगी। अब बीजेपी अध्यक्ष ने जो बात कही वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ का मामला है। बाबर की मौत 1531 ई में हुई, जबकि हुमायूं उसके पिता के गुजर जाने के 25 साल बाद हुई। इस हिसाब से बीजेपी अध्यक्ष सैनी जनता को गुमराह कर रहे हैं और साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बीजेपी के किसी ने बाबर और गाय के साथ जोड़ा हो। इससे पहले साल 2015 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बाबर ने अपने लोगों से कहा था कि गाय खा सकते हैं या तो लोगों के दिल पर राज कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने अलवर में गौ तस्करी के आरोप में हुई रकबर खान की हत्या पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग जैसे अपराध खुद ही बंद हो जाएंगे अगर लोग बीफ खाना बंद कर देंगे। पीएम मोदी उस वक्त विदेश में गाय भेंट कर रहे हैं जब देश में गाय के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, शत्रुघ्न सिन्हा।
पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 अफ्रीकी देशों के दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र को छोड़कर पीएम मोदी उस वक्त विदेश में गाय भेंट कर रहे हैं जब देश में गाय के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है। बीजेपी सांसद ने ट्विटर के जरिए कहा, श्रीमान जब संसद में सत्र है, आप पीएम मोदी 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। अगर आप सत्र के बाद चले जाते तो आसमान नहीं गिर पड़ता। अभी आप बचे हुए कुछ और देशों का दौरा कर सकते हैं। आप पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो रवांडा दौरे पर गए हैं, मुबारक हो। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को गले लगाने वाले मामले का जिक्र करते हुए कहा, अब रवांडा में हाथ मिलाना प्रोटोकॉल के अंतर्गत होगा, जबकि आपका गले मिलना यहां अभी भी बड़ी खबर है। दिलचस्प बात यह है कि आप गिरिन का हर परिवार को एक गाय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जिसे रवांडा के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया है। सिन्हा ने आगे कहा, महान और विचारशील पहल है कि आप इस कार्यक्रम में एक गांव को 200 गायों का तोहफा देंगे। आपका यह कदम दो महान राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को और मजबूत करेगा। लेकिन सर, घर वापस आइए, पक्षियों के पास गौरक्षकों द्वारा लिंचिंग और मासूमों की हत्या पर बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी खौफनाक घटनाओं में हमारे कुछ लोगों का भी हाथ है। सर, अभी भी आपने इस पर एक शब्द नहीं बोला। ये काम आप विदेश की जमीन से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार के खिलाफ राफेल डील पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पर हमें निर्देश दें। पहले एक बलात्कार की घटना से तूफान आ जाता था, लेकिन आज की गोदी मीडिया 29 बच्चियों के दर्द को छुपाने में लगा है आरजेडी। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृह रेप कांड में अहम खुलासा हुआ। बच्चियों के साथ होने वाली घिनौने अपराध की कहानी इतनी शर्मसार करने वाली है, जिसमें अब धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। इस अहम खुलासों में जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। वहीं इस मामले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे संजय यादव ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा। संजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिंदा समाज में एक बलात्कार की घटना से तूफान आ जाना चाहिए। बिहार में तो 29 बच्चियों के साथ राजनेताओं और अधिकारियों ने महीनों सत्ता संपोषित बलात्कारियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया, लेकिन समाज, सरकार और मीडिया सब सो रहे हैं, क्योंकि कोई पीड़ित लड़की उनकी अपनी बहन बेटी नहीं है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिला बालिका गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। यहाँ रहने वाली एक बच्ची ने अपने साथी की हत्या का भी आरोप लगाया, मगर इस मामले में जितने भी खुलासे हो रहे हैं, वो नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि पर सीधी चोट करते हैं। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में एक नारी निकेतन में बच्चियों को नशा देकर लंबे समय तक रेप होने का आरोप लग रहा है। इसे बालिका गृह है, जो एक एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति की तरफ से चलाया जाता था, जिसमें 42 लड़कियां रह रही थी। बता दें कि 42 लड़कियों में से 24 लड़कियों की मेडिकल जांच में रेप और मारपीट की पुष्टि हो चुकी है। कई लड़कियों के शरीर पर जले के निशान है और इनमें सभी नाबालिग हैं। इन्हीं में एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उनकी एक साथी की पीट कर हत्या कर दी गई और उसे परिसर में ही दफन कर दिया गया था। द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।